आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अमेरिका के 35th प्रेसिडेंट एंड द यंगेस्ट प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट हु वाज असैसिनेटेड, जॉन फिट्जरल्ड कैनेडी की, जॉन एफ कैनेडी। एक बहुत ही शानदार करियर रहा है और काफी कॉन्ट्रोवर्शियल करियर भी रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि इनका जो प्रेसिडेंशियल टेन्योर था वो खाली 1036 दिन चला था, मतलब 2 साल तक ये प्रेसिडेंट रहे थे, 1961 से लेकर 63 तक। लेकिन इन 3 सालों में इन्होंने कुछ ज्यादा ही कर दिया था, बहुत कुछ कर दिया था। आपको पता है इन्होंने क्या क्या किया था? आज जो आप दुनिया का खाका देख रहे हैं, जो वर्ल्ड का मॉडल देख रहे हैं, और स्पेशली जो अमेरिका में जितनी भी सारी चीजें हुई उसकी नींव जॉन एफ कैनेडी ने रख दी थी। आने वाले अमेरिका में जितने भी साल थे, जो भी टर्बुलेंट ईयर्स रहे अमेरिका में, और अमेरिका पहला वॉर जो हारा, वियतनाम वॉर पूरी तरीके से तो नहीं बोल सकते वो हारा, लेकिन वहां पे तो जीता भी नहीं था, तो उसको जॉन एफ कैनेडी ने इनिशिएट किया था। अमेरिका का स्पेस प्रोग्राम जॉन एफ कैनेडी ने इनिशिएट किया था। क्यूबा में जो मिसाइल क्राइसिस हुई जॉन एफ कैनेडी के कारण हुई थी। न्यूक्लियर प्रोग्राम जो एंड करने की बात चली, जॉन एफ कैनेडी ने इसको इनिशिएट किया था। डेथ पेनाल्टी को एबॉलिश किया था, और भी बहुत सारी चीजें थी दोस्तों जो जॉन एफ कैनेडी ने की थी। दोस्तों 2 साल ऐसे रहे हैं, मतलब 2 एरा ऐसे रहे हैं दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, 1945 के बाद और उसके बाद ये 1960 का दशक। ये एक तरीके से क्या कहते हैं ना कि एकदम गेम चेंजर था ये जो साल रहे, क्योंकि यहां पे बहुत सारे देशों ने अपने आप को पूरी तरीके से बदल लिया था। बहुत सारे देश आजाद हुए थे और आजाद होने के बाद बहुत कुछ हो रहा था। तो आज जो आप दुनिया का मॉडल देख रहे हैं इसकी शुरुआत 1960 में ही हो गई थी। वैसे बता दूं, मैं यूएस के काफी प्रेसिडेंट्स की बायोग्राफी कवर कर चुका हूं। मैंने जॉर्ज वॉशिंगटन, जो कि पहले प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, इनकी बायोग्राफी कवर की है। थॉमस जेफरसन की बायोग्राफी कवर की है। इब्राहिम लिंकन की बायोग्राफी कवर की है। हमारे सबसे प्यारे न्यारे डोनाल्ड ट्रंप की भी बायोग्राफी कवर की है दोस्तों। बराक ओबामा की बायोग्राफी कवर की है। फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, वो प्रेसिडेंट जो 4 बार के लिए चुने गए थे, 4 बार इनको राष्ट्रपति के लिए चुना गया था, फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, तो इनकी भी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की हुई है। और भी हम बायोग्राफीज अमेरिका के राष्ट्रपतियों की रिव्यू करते रहेंगे, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या हो रहा था, वर्ल्ड में क्या हो रहा था, वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब वर्ल्ड में क्या हो रहा था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, घर बैठ के आराम से अपनी ड्रीम जॉब निकालिए, नोट्स बनाइए, बहुत फायदा मिलेगा। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो इनके शुरुआती जीवन पे नजर डालेंगे। वैसे काफी समृद्ध परिवार था दोस्तों इनका। इनके दादाजी भी एक पॉलिटिशियन थे, मैसाचुसेट्स से लेजिस्लेटर थे। इनके पिताजी एक बिजनेसमैन, इनकी माताजी एक फिलैंथ्रोपिस्ट, और इनको भी वैसे लिबरल माना जाता था। तो ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद जो इनका प्रेसिडेंशियल टेन्यूअर रहा, ज्यादा लंबा तो नहीं रहा दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि 1963 में ही इनको असैसिनेट कर दिया गया था, तो ज्यादा कुछ इनको मौका नहीं मिला। लेकिन बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स की इन्होंने नींव रख दी थी, तो वो भी देखेंगे। स्पेशली क्यूबा में तो सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था भैया, मिसाइल क्राइसिस, न्यूक्लियर वॉर हो ही गया था लगभग लगभग, अगर होता तो सब खत्म हो जाता। तो वो क्या था वो भी सारी चीजें देखेंगे। फिर इनकी पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी, क्या पॉलिसी थी, बहुत सारी चीजें हुई थी दोस्तों। इसी समय रेशियल सेग्रीगेशन का भी मामला चल गया था, सिविल राइट्स मूवमेंट, मार्टिन लूथर किंग, भैया हमको अपने अधिकार दो, ब्लैक्स को अधिकार चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यहां पे इन लोगों की बहुत हालत खराब थी दोस्तों, इनके पास वोटिंग राइट्स तक नहीं थे, तो ब्लैक्स को अधिकार चाहिए, ये अमेरिका में मांग उठने लगी और पूरा सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो वो भी जॉन एफ कैनेडी के ही समय हुआ, तो वो सारी चीजें देखेंगे। वैसे बता दूं दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की भी बायोग्राफी मैंने कवर किया, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद फाइनली इनका असैसिनेशन देखेंगे, तो ये सारी चीजें हैं। अब जॉन एफ कैनेडी की बात करें तो 29 मई 1917 में इनका जन्म हुआ था मैसाचुसेट्स ब्रुकलिन में, वहां पे ये जन्मे थे। इनके पिताजी का नाम पैट्रिक कैनेडी, जो कि एक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन थे, और इनके माताजी का नाम रोज एलिजाबेथ, जो कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट थी। इनके पिताजी की अच्छी खासी फंडिंग जाती थी। आपको पता ही है दोस्तों अमेरिका में 2 पार्टी हैं, अमेरिका में ट्विन पार्टी सिस्टम है, जैसे भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है ना, खूब सारी पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए कौन कितना काम करता है,
चलिए वो आपके ऊपर छोड़ता हूं, मैं भारत की बात कर रहा हूं। अमेरिका में ट्विन पार्टी सिस्टम है, अमेरिका में एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, और दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी। और ग्रैंड ओल्ड पार्टी इन दोनों में से किसको बोला जाता है और क्यों बोला जाता है ये कमेंट बॉक्स में बताइए। तो डेमोक्रेटिक पार्टी है और रिपब्लिक पार्टी है, तो जॉन एफ कैनेडी डेमोक्रेटिक थे, एक डेमोक्रेट थे, ठीक है ना। तो जॉन एफ कैनेडी डेमोक्रेट थे और इनका जो मुकाबला था वो रिचर्ड निक्सन से था, जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे तो इनका मुकाबला रिचर्ड निक्सन से था। रिचर्ड निक्सन एक रिपब्लिकन थे। आपको बता दूं रिचर्ड निक्सन और भारत के रिश्ते काफी विवादास्पद रहे हैं। रिचर्ड निक्सन ने तो इंदिरा गांधी को द विच बोल दिया था, चुड़ैल है ये, क्यों बोला था आपको पता ही है कि इधर ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान आपस में भिड़ गए थे और भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा था, रिचर्ड निक्सन का पूरा सपोर्ट पाकिस्तान को था। तो यहां पे इसीलिए बहुत जो खराब शब्दों का इस्तेमाल किया गया था इंदिरा गांधी के खिलाफ, लेकिन भैया भारत ने तो कमाल कर दिखाया था। तो रिचर्ड निक्सन को इन्होंने हराया था और बहुत कम मार्जिन से हराया था भैया, इतिहास में बहुत कम होता है, 0.2% से जीते थे जॉन एफ कैनेडी। बहरहाल उस पर अभी हम आएंगे। तो जॉन एफ कैनेडी का जन्म ब्रुकलिन में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, और जैसा कि आपको पता ही है कि जब क्रिश्चियंस का जन्म होता है तुरंत उनको बैप्टाइज किया जाता है, तो 2 महीने बाद ही इनको बैप्टाइज किया गया 1917 में। शुरुआती पढ़ाई इनकी चर्च में हुई और उसके बाद इन्होंने एडवर्ड डिवोशन स्कूल ब्रुकलिन में ही ज्वाइन किया, 4th क्लास तक यहां तक पढ़े, ठीक है। उसके बाद इन्होंने रिवरडेल स्कूल ज्वाइन किया, 5वीं से 7वीं क्लास तक यहां पे पढ़े। 1929 में इनकी फैमिली जो थी वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई थी, ठीक है, न्यूयॉर्क आ गई थी इनकी फैमिली, तो वहां पे रिवरडेल स्कूल था, आपको बता दूं न्यूयॉर्क में था ये रिवरडेल स्कूल, और वहां पे इन्होंने 5वीं से 7वीं क्लास तक 1929 से 1931 तक इन्होंने यहीं पे पढ़ाई की। और 1931 में फाइनली इन्होंने कोएट कॉलेज को ज्वाइन किया जो कि एक बोर्डिंग स्कूल था कनेक्टिकट में, और इनका पूरा परिवार एक तरीके से बोर्डिंग स्कूल में ही पढ़ता था, तो वो फिर इन्होंने मतलब पढ़ाई की और 12th ग्रेड तक इन्होंने यहाँ पे पढ़ाई की। पढ़ने लिखने में काफी अच्छे थे आपको बता दूं। और 1935 में इनकी जो फैमिली थी वो लंदन गई थी घूमने गई थी, तो यहां पे इन्होंने पहली ट्रिप की एब्रॉड, पहली बार ये बाहर घूमने गए अमेरिका के, जो कि लंदन थी। वैसे आपको बता दूं कि काफी घूमे हैं ये, है ना, समृद्ध परिवार था इनका, तो आप सोच ही समझ ही सकते हैं, तो ये सारी चीजें थी। अब दोस्तों हार्वर्ड में भी इनका एडमिशन हुआ। अब भैया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड जो है मैसाचुसेट्स में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बोल दिया, आई एम सॉरी, हार्वर्ड जो है हार्वर्ड कॉलेज जो है वो बहुत ही ज्यादा एक प्रेस्टिजियस कॉलेज है, ठीक है। तो वहां पे 1936 में इन्होंने हार्वर्ड कॉलेज में एडमिशन लिया, और ये अमेरिका में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, अमेरिका में है, अमेरिका के मैसाचुसेट्स में। तो वहां पे ये पॉलिटिकल फिलॉसफी और इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो स्टडी करने लगे। मीनवाइल स्पोर्ट्स में इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, आपको बता दूं फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता था इनको, स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगता था। आपको बता दूं कि इन्होंने 2 चैंपियनशिप भी जीते थे, क्योंकि ये अपने कॉलेज को स्विमिंग में रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छे तैराक रहे हैं, इसीलिए बाद में ये नेवी में भी शामिल हुए वर्ल्ड वॉर टू के दौरान। देशभक्ति इनमें कूट कूट के भरी थी। 1937 में ये फ्रांस भी गए थे, इन्होंने फ्रांस की ट्रिप भी की थी, ठीक है ना, तो ये दूसरी इनकी एब्रॉड ट्रिप हो गई। और 1939 में तो इन्होंने पूरा यूरोप घूम डाला था, 1939 में ये यूरोप गए, सोवियत, बाल्कांस, ये सब जगह घूमे थे, तो एक तरीके से वर्ल्ड टूर हो गया था। भारत नहीं आए थे, इधर एशिया में इनका जो टूर था वो नहीं था। अब 1939 सितंबर में क्या हुआ, इतिहास का सबसे काला दिन, जब जर्मनी ने, हिटलर ने बोला पोलैंड को पकड़ के खत्म कर दो, तो यहां पे जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड किया और यहां से ही वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हो गई। अब वर्ल्ड वॉर टू मैं पूरा कवर कर चुका हूं दोस्तों, वर्ल्ड वॉर टू पे एक सेपरेट लेक्चर भी है स्टडी आईक्यू पे, मैंने हिटलर की पूरी बायोग्राफी कवर की है, तो आप देख लीजिएगा। और वर्ल्ड वॉर टू में जितने भी लीडर्स थे, मसोलिनी, स्टालिन, चर्चिल, हिटलर, रूजवेल्ट, सबकी बायोग्राफी मैंने कवर की है, तो आपको पूरा वहां पे पता चल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। तो यहां पे दोस्तों ये वर्ल्ड वॉर टू में भाग लेना चाहते थे, वैसे कोई कॉन्टेस्ट नहीं था, लेकिन आपको पता ही है कि हर देश में कॉन्स्क्रिप्शन लॉ होता है। कॉन्स्क्रिप्शन लॉ क्या मतलब, कि भैया जैसे ही आप बालिग हो जाएंगे आपको कुछ समय, स्पेशली ये मेल्स के लिए होता है, आपको कुछ समय देश की आर्मी में बिताना पड़ेगा, 2 से 3 साल। भारत में भी है,
भारत में भी कॉन्स्क्रिप्शन लॉ है, लेकिन इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहां पे अगर कोई भी वांट्स निकलती है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अगर मान लीजिए 200 भर्तियां निकली तो अपने आप ही 4000 लोग आ जाएंगे, इसलिए भारत में कभी जरूरत नहीं पड़ती इसको लागू करने की। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू में बहुत सारे देश, जो जो भी देश इन्वॉल्व थे, उन सबने बोला हमको सोल्जर्स चाहिए, वरना लड़ेंगे कैसे जर्मनी से, जर्मनी ने तो पूरे यूरोप को जीत ही लिया था ना। तो यहां पे अमेरिका में भी यही था, अमेरिका ने भाग नहीं लिया था युद्ध में, मतलब बाद में भाग लिया था, शुरू में वर्ल्ड वॉर टू में अमेरिका नहीं आया था। इंग्लैंड बार बार बोल रहा था अरे आओ आओ आओ, अमेरिका नहीं आया था, अमेरिका हथियार सप्लाई कर रहा था, मदद कर रहा था दोनों की, वर्ल्ड वॉर टू में नहीं आया था। वो तो जापान ने जब पर्ल हार्बर पे अटैक किया उसके बाद अमेरिका कूद गया। फिर पर्ल हार्बर पे अटैक कब हुआ था चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। खैर अब उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, वर्ल्ड वॉर टू में हम अपना लेक्चर कैनेडी तक ही फोकस रखेंगे। उसके बाद दोस्तों कैनेडी की देश भावना जागी, बोला कि मैं तो जाऊंगा वर्ल्ड वॉर टू में अमेरिका की मदद करने वाला हूं। तो ये जो मदद करने वाला सवाल था ये बड़ा मुश्किल था। देखिए दोस्तों जॉन एफ कैनेडी को हेल्थ प्रॉब्लम्स काफी रही हैं और इनकी बैक सीधी नहीं थी। अब एक इंसान की अगर बैक सीधी नहीं है, पीठ सीधी नहीं है, तो वो लड़ेगा कैसे? तो यहां पे इनको शुरू में तो आर्मी ने रिजेक्ट कर दिया था, नेवी में वैसे ही शामिल हुए थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने बड़ी एक्सरसाइज की, बड़ी मेहनत की कि मुझे आर्मी में शामिल कर लिया जाए, और भैया इन्होंने सारे टेस्ट पास किए, उसके बाद इनको आर्मी में जगह मिली, ये नेवी में इनको जगह मिली और बहुत सारी टॉर्पीडो बोट्स को भी इन्होंने कमांड किया। तो कमाल का काम किया था दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त कमाल का काम किया था। इन्होंने जो थीसिस लगी थी व्हाई इंग्लैंड स्लेप्ट, वो भी बेस्ट सेलर हुई थी जब ये ग्रेजुएट हुए थे, ठीक है ना। तो काफी पढ़ने लिखने में भी कैनेडी जो थे वो अच्छे थे। लेकिन आपको एक और चीज बताता हूं, 1957 में इनको पुलित्जर प्राइज भी मिला था जॉन एफ कैनेडी को। तो पढ़ने में जो है काफी इंटरेस्ट था, खाली युद्ध में और खेलने में इनको इंटरेस्ट नहीं था। तो यहां पे दोस्तों 24 सितंबर 1941 में इनको नेवी में शामिल किया गया और यहां पे ये नेवल ऑफिसर हुए। पहले तो इन्होंने बोट्स को बहुत अच्छे से कमांड करना शुरू किया। अब इधर जापानियों ने अटैक कर दिया था, जापानियों ने जब अटैक किया तो इनके ऊपर बड़ी मुश्किल आ गई थी, बहुत प्रॉब्लम हुई थी। इन्होंने दो बोट्स को कमांड किया था, PT-109 और ये टॉर्बिडो बोट्स थी, और PT-59, ठीक है। तो ये बोट थी जो इन्होंने कमांड किया था, लेकिन जब 109 इस वाली बोट को कमांड कर रहे थे तो जापानियों ने हमला कर दिया था, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तब भैया फेमसली जॉन एफ कैनेडी ने ये बोला था कि मैं तुमको ऑफर दे रहा हूं, या तो सरेंडर कर दो या फिर लड़ो। देखो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर में पूरी फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं, तो ये तुम्हारी चॉइस है। तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने सरेंडर भी कर दिया था, बोला कि हमको वापस जाना है। तो उनका सेफ पैसेज, इसमें घायल भी हो गए थे जॉन एफ कैनेडी पूरी लड़ाई में। अब जब घायल हुए तो उनको काफी टाइम बाद, एक दो महीने बाद खोजा गया था, और जब उनको खोजा गया इतना जबरदस्त कैनेडी ने काम किया था कि 8 अक्टूबर 1943 में इनको लेफ्टिनेंट बना दिया गया। आपको बता दूं कि जॉन एफ कैनेडी को जो भी काम दिया जाता था वो बड़ा बखूबी करते थे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल फुल एनर्जी से। कहते हैं ना कि देखिए जो भी काम मिलता है उसको फुल डिटर्मिनेशन से करिए, चाहे वो कोई भी काम हो, आपका पसंद का हो चाहे ना हो, आप उसमें 100% दीजिए, आपको भी 100% मिलेगा। तो यहां पे जॉन एफ कैनेडी ने इस काम को बहुत अच्छे से किया। उसके बाद फिर इन्होंने PT-59 बोट को भी कमांड किया और फाइनली इनको सर्विस से रिटायर किया गया, ठीक है, 1944 में एक्टिव ड्यूटी से ये इनको हटा दिया गया। यहां पे इतने जबरदस्त काम किए थे दोस्तों कि इनको बहुत सारे मेडल्स मिले थे भैया, बहुत सारे मेडल्स दिए थे अमेरिकी गवर्नमेंट ने इनको। नेवी एंड मरीन कॉर्प्स मेडल मिला था, पर्पल हार्ट मेडल मिला था, सर्विस मेडल मिला था, कैंपेन मेडल मिला था, वर्ल्ड वॉर टू विक्ट्री मेडल मिला था। तो बहुत सारे मेडल्स इनको मिले थे एक्टिव ड्यूटी में। 1944 में ये नेवी छोड़ के आए, 1945 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ और 1947 में ये पॉलिटिक्स में आ गए। 1947 से लेकर 1960 तक ये लीडर रहे, ये कांग्रेस के लीडर रहे, ठीक है ना। तो यहां पे इन्होंने मन बना लिया था कि अब मुझे चुनाव लड़ना है, और इनके पिताजी इनकी बड़ी मदद कर रहे थे उस समय, जो अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव थे जो मैसाचुसेट्स की सीट से लड़ रहे थे, जेम्स माइकल करली, उन्होंने अपनी सीट को छोड़ दिया क्योंकि इनके पिताजी ने ही बोला था, और यहां से खड़ा कर दिया अपने बेटे को, और फिर इनके पॉलिटिकल करियर की स्टार्ट हो गई।
मतलब शुरुआत हो गई, तो इनका जो पॉलिटिकल करियर था वो शुरू हो गया यहां से। उसके बाद भैया देखिए, आपको पता ही है कि अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, जो कांग्रेस है, उसमें दो हाउस है, ठीक है, सेनेट जिसको अपर हाउस बोला जाता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसको लोअर हाउस बोला जाता है। ठीक वैसे ही जैसे भारत में दो हाउस है ना, लोकसभा, लोकसभा जिसको लोअर हाउस बोला जाता है, लोगों की सभा, यहां पे जो लोग चुन के आते हैं उनको कौन वोट करता है, हम लोग वोट करते हैं। तो ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा है और सेनेट जो है वो राज्यसभा है। तो सेनेटर बनना चाह रहे थे जॉन एफ कैनेडी मैसाचुसेट्स की ओर से, मैसाचुसेट्स जो कि एक शहर है, तो वहां पे उन्होंने चुनाव लड़ा, उस सीट से ये खड़े हुए और जॉन एफ कैनेडी को जीत हासिल मिली। और ये बहुत बड़ा मौका था दोस्तों, ये बहुत बड़ा मौका था। 1947 से 1953 तक ये बिल्कुल एक्टिव पॉलिटिक्स इन्होंने की और काफी कुछ काम किया, ठीक है। और यहां पे दोस्तों इन्होंने जीत भी हासिल की और जिसको हराया था वो तीन बार से इलेक्शन जीत के आ रहे थे। तो बहुत मतलब ये आसान नहीं था, जिस इंसान को हेनरी कैबे लॉच को हराया था इन्होंने, और ये बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि तीन बार से जीत के आ रहे थे। लेकिन ये नारा दिया गया कि मैसाचुसेट्स के लिए कैनेडी सही है और अच्छे खासे मार्जिन से सेनेट सीट जो है मैसाचुसेट्स की वो कैनेडी को ही मिली। और यहां से इनका सफर जो है वो शुरू हो गया। जब ये हाउस में थे, जब ये कांग्रेस में थे, तो इन्होंने बहुत कुछ किया, इन्होंने देश के लिए और मतलब काफी प्रपोजल्स रखे कि अगर हम इन चीजों पे काम करें तो बहुत अच्छा होगा। इसमें कुछ चीजें बताना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पे एजुकेशन रिफॉर्म्स लेके आओ, ठीक है, इनको एजुकेशन लेबर कमिटी कमिटी का भी मतलब लेबर कमिटी का भी इनको मेंबर बनाया गया। उसके बाद इनको इन्होंने इंटरनेशनल अफेयर्स को भी सपोर्ट किया कि इंटरनेशनली हमको अच्छे सबसे रिलेशन रखने चाहिए। पब्लिक हाउसिंग का इन्होंने सपोर्ट किया, और आपको बता दूं ये एंटी कम्युनिस्ट नहीं थे, बहुत ज्यादा एंटी कम्युनिस्ट नहीं थे, ठीक है ना। अब दोस्तों आपको पता ही है कि 1945 के बाद कम्युनिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी, ये जो दो बहस है ये छिड़ गई थी। अमेरिका डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता था, लेकिन बाद में जो क्यूबा में हुआ उसमें तो जॉन एफ कैनेडी को काफी ज्यादा कम्युनिस्ट बना मतलब एंटी कम्युनिस्ट बना दिया था, तो ये प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद 1958 में कैनेडी को दोबारा चुना गया, 1947 से लेकर 1960 तक, ठीक है, ये एक सेनेटर रहे थे, सेकेंड टर्म भी इनको चुना गया। और फाइनली 1960 में 2 जनवरी 1960 में ये बोल दिया गया कि जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगे वो होंगे जॉन एफ कैनेडी, मतलब राष्ट्रपति में जो राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि उस समय राष्ट्रपति कौन थे, ड्वाइट डी आइजनहार। तो जो राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं 1960 में, हमारे जो कैंडिडेट होंगे वो कौन होंगे, जॉन फिट्जरेल कैनेडी। अब ये इतना आसान भी नहीं है दोस्तों, बोल दिया और हो गए। देखिए दोस्तों, पार्टी में भी काफी लोग हैं जो ये चाहते थे कि जॉन एफ कैनेडी जो हैं वो प्रेसिडेंट ना बने या वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ना हो, बहुत सारे लोग हैं। और बहुत सारे लोगों ने सवाल काफी उठाने शुरू कर दिए थे, इनके रिलीजन पे सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, बोले ये एंटी कैथोलिक है, इनकी पॉलिसी सही नहीं है, ये बिल्कुल बेकार है। और इस समय आपको बता दूं कि तीन मेजर इशू थे, तीन सबसे बड़े इशू थे। सबसे पहली बात तो ये थी कि क्यूबन रेवोल्यूशन भैया आ गया था क्यूबा में, अमेरिका की बगल के छोटे से आइलैंड में क्यूबा में एक क्रांति आ गई थी, कम्युनिज्म फैल गया था वहां पे, फिदेल कास्त्रो चे गुवारा ने सरकार पे कंट्रोल ले लिया था और उनकी सरकार चलने लगी थी। तो सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम थी कि उसको कैसे सप्रेस किया जाए, उसके बाद किस तरीके से इकोनॉमी को पटरी पे लाया जाए, ग्रेट डिप्रेशन के जो घाव थे वो अभी तक नहीं सूखे थे और अभी भी बहुत ज्यादा दिक्कत थी। उसके बाद 1945 में जो वर्ल्ड वॉर टू हो गया, सोने पे सुहागा और हो गया ये प्रॉब्लम। फिर जो यूएसएसआर सोवियत जो अपना मिसाइल प्रोग्राम चला रही थी, क्या अमेरिका उसको सरपास कर पाएगा, अमेरिका का जो अपोलो प्रोग्राम था वो जॉन एफ कैनेडी के ही टेन्यूर में शुरू हुआ था, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो ये तीन मेजर इशू थे जिस पे चुनाव लड़ा जाना था और यहां पे जॉन एफ कैनेडी हर किसी को ये कन्विंस करने में कामयाब रहे कि मैं ही हूं सही, मुझे ही वोट करो। लेकिन इनके सामने खड़े थे एक और बहुत ही जबरदस्त वाइस प्रेसिडेंट, रिचर्ड निक्सन। ये उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे और रिपब्लिकन थे ये, ठीक है ना, रिपब्लिकन थे। तो भैया इनका प्रेसिडेंट बनना तय माना जा रहा था। और उस समय 1960 के दशक में आपको बता दूं, 1960 में देखिए अमेरिका में क्या होता है कि जब चुनाव अनाउंस होते हैं तो वहां पे जो दो कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन जो कैंडिडेट होते हैं उनके बीच में बहस होती है और वो बहस बड़ी
बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि भारत के न्यूज चैनल्स पे कितनी भयानक डिबेट हो जाती है, मारपीट तक की नौबत आ जाती है, वहां पे ऐसी डिबेट्स नहीं होती हैं, वहां पे एक इंसान बोलता है, उसके बाद दूसरे को मौका दिया जाता है, और उसके बाद फिर वोटिंग होती है, उसके बाद देखते हैं कौन जीता। तो रिचर्ड निक्सन और जॉन एफ कैनेडी की जो डिबेट्स थी वो बड़ी हिस्टोरिकल डिबेट्स थी। एक तो लोगों ने उसको देखा, दूसरी बात कमाल के तर्क दिए थे। तो ये सारी चीजें थी। बहरहाल इलेक्शन डे आता है दोस्तों, वोटिंग होती है, रिचर्ड निक्सन रिपब्लिकन कैंडिडेट, जॉन एफ कैनेडी डेमोक्रेटिक कैंडिडेट, जीतेगा कौन? सिर्फ 0.2% से जीते हैं कैनेडी, बहुत ही कम मार्जिन से। आप देख रहे हैं ना, निक्सन लगभग लगभग जीत गए थे, और फिर जॉन एफ कैनेडी बनते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट। और अगर हम इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो जॉन एफ कैनेडी को 303 वोट्स मिले थे, रिचर्ड निक्सन को 219 वोट्स मिले थे। तो बहुत ही कम परसेंटेज है दोस्तों, आप देख सकते हैं ना, बहुत कम। 43 साल में कैनेडी अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति बने, और अब जो चीजें इनके सामने आने वाली थी, सक्सेस तो मिल गई, लेकिन अब क्या वो आसान नहीं थी। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा मैप कैनेडी और निक्सन का, देख सकते हैं ना कहां कहां इनको जीत हासिल हुई। जीते कैनेडी थे, वोट परसेंटेज इनका ज्यादा था। तो अब दोस्तों आगे क्या हुआ, इनकी पॉलिसी क्या रही, प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने क्या काम किया, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे। जनवरी 20, 1961 में ये राष्ट्रपति बने थे। और देखिए, मैंने बहुत ही ये बड़े बड़े से इसको अंडरलाइन किया है, ये एक ऐसी कोट है जो बार बार दोहराई जाती है, और मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा हिस्टोरिक कोट है ये। बहुत बड़ी बात बोल गए थे कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ये मत बोलो कि देश ने तुम्हारे साथ ऐसा किया वैसा किया। बहुत लोगों की आदत होती है, बहुत लोगों की, ये देश बेकार है, ये देश में रहने लायक नहीं है, इस देश में बहुत गरीबी है, इस देश में करप्शन है। तो अगर करप्शन है तो उसको मिटाओ, कुछ करो। तुम देश के लिए क्या कर सकते हो ये ना पूछो, तुम्हारे लिए देश ने क्या किया है। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो है जॉन एफ कैनेडी ने दिया था अपनी इनॉग्रल स्पीच में, बहुत कुछ बोला था, काफी अच्छे ओरेटर थे, करिश्मा इनका ऐसा था, इतना जबरदस्त इनका करिश्मा था कि हर लोगों ने इनको मन बना लिया था कि इन्हीं को प्रेसिडेंट बनाना है, और ये बहुत बड़ी बात थी। तो 1961 में ये प्रेसिडेंट बने। आगे की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।